इस जगत में जब जीव आता है तो भगवान से कॉल करता है, भगवान को वचन देता है। पूरे 9 महीने में जीव का निर्माण होता है माँ के गर्भ में। और आपने सुना होगा, अधिकतर माताएं कहती हैं बच्चा पेट में लात मार रहा है, कहते हैं, लेकिन वो बच्चा लात नहीं मारता। उस बच्चे को जितना कष्ट माँ के गर्भ में है उतना कष्ट कहीं दुनिया में नहीं है। माँ गर्म पिए तो बच्चे को कष्ट हो, माँ ठंडा पिए तो बच्चे को कष्ट हो। आपने देखा होगा बच्चे जब पैदा होते हैं तो शरीर उनका लाल होता है, क्यों? वो शरीर के घाव है। बच्चा कराहता है, चिल्लाता है, प्रभु इतनी कृपा करो कि इस गर्भ से मुझे बाहर कर दो, संसार में जाकर के अच्छे कार्य करूंगा ताकि वापस इस गर्भ में मुझे आना ना पड़े। गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। जितना कष्ट जीव को मां के गर्भ में होता है उतना कहीं नहीं मिलता है, इतना दुख है। और जब भगवान, जब जीव के बाहर आने का समय होता है तो भगवान आते हैं, उस बच्चे से पूछते हैं, ये बताओ तुम्हें फिर आना है यहाँ पे इस गर्भ में? बालक कहता है, प्रभु ये लास्ट है, संसार में जाकर के ऐसा कार्य करूंगा, इतना दान करूंगा, इतना पुण्य करूंगा, इतना भजन कीर्तन करूंगा कि वापस मुझे इस गर्भ में नहीं आना पड़े। नाथ मैं नहीं आऊंगा यहाँ पे, बहुत कष्ट है। और वो बालक जब आता है, जैसे बाहर निकलता है तो बच्चे का पहला शब्द क्या होता है? कहाँ, कहाँ, कहाँ। बालक ऐसे रोता है, अर्थात वो देखता है, उस भगवान को ढूंढता है, जो भगवान अभी मुझे ज्ञान दे रहे थे वो भगवान कहाँ चले गए, वो भगवान कहाँ चले गए, मुझे उन्हें देखना है। लेकिन कुछ दिनों बाद वो जीव सब भूल करके फिर धीरे धीरे इस संसार के प्रपंचों में पड़ जाता है, भगवान का विस्मरण हो जाता है। ये जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। एक पिता ने अपने पुत्र को 100 रुपए दिए, कहा बाजार से जाओ फल खरीद के लाना। बच्चा जब घर से बाहर निकला तो रास्ते में ही बाजार जाने से पूर्व उसे बंदर का नृत्य दिखाने वाले मदारी दिख गए, और बच्चा उस बंदर का नृत्य देखता रहा। भाई देखने के बाद देना तो पड़ेगा कुछ। बच्चे के पास जो 100 रुपए थे उसने निकाल के दे दिए उस बंदर को, और जब दे दिया तो अंत में उसे याद आया मुझे तो फल लेना था। जब पहुंचा दुकान पे, दुकान बंद हो चुकी थी, पैसे भी नहीं थे। घर पहुंचा, पिता ने पूछा क्या हुआ, फल लाए? कहा नहीं। क्यों? दुकान बंद। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे पैसे वापस कर दो। उस बच्चे ने कहा वो तो मैंने मदारी वाले को दे दिया, वो भी नहीं बचे मेरे पास। ठीक यही स्थिति जीव की है। भगवान ने वो 100 रुपए 100 वर्ष की आयु दी है हमें, और भगवान कहते हैं जा रहे हो ना कर्म रूपी फल लेके आना। और जीव जब यहां आता है तो मदारी का नृत्य क्या है? ये संसार, ये परिवार, ये भाई बहन, यही मदारी है। और इसी मदारी में देखते देखते वो 100 रुपए गंवा देते हैं हम, और अंत में जाने का समय हो जाता है। भगवान के पास जीव पहुंचता है, भैया क्या लेके आए, कुछ लेके आए मेरा फल? जीव कहता प्रभु खाली हाथ। अच्छा कोई बात नहीं, हमने जो 100 रुपए दिए थे, 100 वर्ष दिए थे, वापस कर दो। जीव कहता वो भी नहीं बचे, फिर क्या लेके आए? कहा कुछ नहीं लेके आया। और जैसे यहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं ना, ऊपर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। ये जो मन है ना, ये कहते हैं स्थूल शरीर है, मन स्थूल शरीर है। जब भी कोई गलत कार्य करते हैं आप तो ये आपका मन साक्षी होता है वहां पे, और ये मन तो बड़ा चंचल है, आपसे गलत कार्य करने को ही बोलेगा, इसे नियंत्रित करना पड़ेगा। अब वो होगा कैसे? भगवान के भजन से। जब आप ऊपर जाते हैं और जब आपका हिसाब किताब होने लगता है, आप कहते प्रभु हमने ये कार्य नहीं किया, भगवान कहते कोई बात नहीं, जरा सीसीटीवी कैमरा ऑन करो,
आप वहाँ सब कुछ कर रहे होते, सब उसमें पूरा दिख रहा होता है। आपका मन कहता है प्रभु ये झूठ बोल रहा है, जब इसने ये कुकृत्य किया तो मैं वहाँ खड़ा था, मैं वहाँ उपस्थित था, ये झूठ बोल रहा है। आपका मन गवाही देता है। आपने देखा होगा जब कोई आप कार्य करने जाते हैं तो एक मन कहता है नहीं नहीं ये बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए, दूसरा कहता है कोई बात नहीं कौन देखने आ रहा करो। लेकिन ध्यान में रखिएगा, आप सोचते हैं कि कमरे के भीतर कोई नहीं देख रहा है, ये आपका भ्रम है। जो एक तीसरी शक्ति ऊपर कैमरे लगा के बैठी है ना, दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाओ उसकी आंखों से कुछ छिपने वाला नहीं है। इसलिए दान करिए, पुण्य करिए, जितना हो सके, ये किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए करिए। और अक्सर ऐसा होता है जब पूरा जीवन बीत जाता है तो व्यक्ति को समझ में आता है हमने कमाया क्या है, पूरा जीवन बीत गया। और जब भान होता है कि वाकई मैंने कुछ कमाया ही नहीं तो अब क्या करोगे, सोच के अब तो जाने का समय आ गया। और जिस संपत्ति के लिए हम दिन रात भागते दौड़ते रहते हैं, ये संपत्ति काम आने वाली नहीं है। दुनिया के 5 करोड़ रुपए जीवन भर की कमाई लगा करके अगर आप कहें मृत्यु से भाई मुझे 5 मिनट का टाइम दे दो, हम अपने परिवार से मिलना चाहते हैं, वो कहेगा भाई 5 मिनट नहीं 5 सेकंड मेरे पास नहीं है। क्या फायदा उस कमाई का। एक आपको छोटा सा उदाहरण दूं, एक बार यमराज पहुंचे एक व्यक्ति के घर पे, और पहुंचने के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु का समय हो गया था। उस व्यक्ति ने देखा काले काले स्वरूप में कोई मेरे दरवाजे पे खड़ा है, कहा भाई आप कौन हैं? कहा मैं यमराज हूं, तुम्हारी मृत्यु। अच्छा क्या करने आए हैं? कहा तुम्हें ले जाने आया हूं, तैयार हो जाओ। कहा भाई साहब कुछ पैसे रुपए ले लीजिए, थोड़े समय दे दीजिए, घर परिवार से मिल लूं। यमराज ने कहा कुछ समय नहीं मिलेगा, तैयारी बना लो, अब जितने समय है तुम्हारे पास उसमें जो करना है सो कर लो। ये व्यक्ति बड़ा चतुर, इसने क्या किया, कहा महाराज चलो अब तो चलने का हमारे समय हो ही गया है, जाने का समय हो ही गया है, हम चाहते हैं जाते जाते भी थोड़ा पुण्य कमा ले। क्या कहा हम चाहते हैं कि आपको भोजन प्रसाद पवा दे, थोड़ा भोजन कर लीजिए आप। यमराज ने कहा अच्छा चलो ठीक है। भोजन बनाया और यमराज को बढ़िया 56 भोग पवाया। यमराज ने जब भोजन पाया मन खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, आनंदित हो गया, गदगद हो गया। यमराज बड़े प्रसन्न हुए और भरपूर भोजन करके सो गए वहीं पे। अब इस व्यक्ति ने क्या किया कि जो उनकी डायरी थी उस डायरी को लिया और देखा मेरा नाम है कहाँ। जब इसने अपना नाम देखा तो सबसे पहले नंबर पर इसी का नाम था। बड़ी टेंशन हुई, अब क्या करूं, तो पहले ही नंबर पे नाम है, जाने का समय हो गया है। बड़ी चतुराई किस व्यक्ति ने क्या किया, अपना नाम पेन से काट दिया और काट करके 1000 नंबर पे अपना नाम लिख दिया। सोचा कि जब तक 1000 नंबर आएगा तब तक तो मेरे पोते पर पोते न जाने कौन कौन हो गया होगा, कई पुस्त बीत जाए हमारे। निश्चिंत हो गया अपना नाम लिख करके। जब यमराज उठे कहा भाई साहब कुछ मांग लो, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं तुमसे, तुमने बड़ा बढ़िया भोजन पवाया। इसने कहा नहीं महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, इसको तो मिल ही गया था जो चाहिए। नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ मांग, नहीं कुछ नहीं चाहिए प्रभु। यमराज ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं मांगोगे तो हम तुम्हें देंगे, आज वरदान मैं तुम्हें अपने मन से देता हूं। क्या देंगे सरकार? कहा देखो जो आज तक हमने नहीं किया वो आज करके दिखाऊंगा। क्या करेंगे? कहा आज मैं पहले नंबर से शुरुआत करने वाला था लेकिन अब मैं 1000 से शुरुआत करूंगा।
लगा सर पटक के रोने, अपने हाथों अपनी मृत्यु हमने लिख डाली, इससे सीख क्या मिलती है। आप चाहे जितना भी बुद्धि दिमाग लगा लीजिए, लेकिन मृत्यु तो अटल है। अभी इस क्षण बोल रहे हैं, अगले क्षण बोल पाएंगे या नहीं कोई भरोसा नहीं, फिर भी हम भजन का समय रखते हैं। अभी तो बच्चा है, भजन क्या करेगा, अभी तो पढ़ रहा है, भजन क्या करेगा। अरे कब करेंगे, पता है कि कब मरने वाले हैं। एक राजा परीक्षित ही ऐसे थे जिन्हें ये ज्ञात था, उन्हें तो पता था कि 7 दिन के भीतर मैं मर नहीं सकता, और हम लोग को तो पता भी नहीं है कि अगले कितने क्षण जीवित हैं। फिर भजन का समय क्यों रखना।